छतरपुर में बमीठा थाना के अंतर्गत एक व्यक्ति ने ग्राम पंचायत रोजगार सहायक पद हेतु 16 जून 2011 को विधिवत आवेदन किया था, जिसमें आवेदक को पात्र पाए जाने पर रोजगार सहायक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई, जबकि अनावेदक ने अपनी पूर्ण फर्जी कंप्यूटर डिप्लोमा राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन कोटा राजस्थान से बनवा कर उक्त नियुक्ति में पेश किया था, जिसका आवेदक के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत संस्था को आवेदन प्रेषित किया गया, जिसका उक्त कंप्यूटर संस्था ने जवाब लिखकर दिया। हमारी संस्था से अनावेदक को ना तो कोई कंप्यूटर डिप्लोमा जारी किया गया और ना ही अनावेदक ने हमारी संस्था से कोई डिप्लोमा कोर्स किया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अनावेदक ने कंप्यूटर का उक्त फर्जी डिप्लोमा तैयार किया है, जिसकी निष्पक्ष रूप से जांच कराई जाए तथा दोषी पर आपराधिक मुकदमा पंजीकृत किया जाए। जी भैया, क्या नाम है? मेरा नाम कृपाराम रेकवार है। कहाँ के रहने वाले? ग्राम पंचायत कुटिया, ग्राम कुटिया। क्या समस्या? मेरी ये समस्या आया कि मेरी नियुक्ति 2011 में 16 जून 2011 में ग्राम पंचायत कुटिया में ग्राम रोजगार सहायक के पद पर हुई थी, जिसमें मैं कार्यरत हूँ। लेकिन जो मेरे दूसरे नंबर पे थे, द्वितीय नंबर पे दिनेश कुमार अग्नोत्री ग्राम ददौनिया के, उन्होंने फर्जी डिप्लोमा लगा करके कमिश्नर में एक अपील प्रस्तुत की है सागर में कि मेरा ये डिप्लोमा सही है और मुझे उसके अंक दिए जाएं और मेरी नियुक्ति की जाए। और जो मेरी सही नियुक्ति हुई थी 2011 में, उसको वो फर्जी बता रहे हैं कि तुम्हारी गलत नियुक्ति हुई है। तो हमने उसके डिप्लोमा की जाँच कराई, जानकारी ली है संबंधित उस संस्था से जहाँ से उन्होंने कंप्यूटर साक्षरता मिशन का लगाया है, तो उसने साफ साफ लिख के दिया है कि डिप्लोमा हमारे यहाँ से जारी नहीं हुआ है, ये टोटल फर्जी डिप्लोमा है। ये फर्जी डिप्लोमा के आधार पर नियुक्त होना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि ये किसी भी प्रकार की ऐसी घटना को आगे अंजाम ना दे सकें। आज कहाँ पर आए? हमने कलेक्ट्रेट आए हैं, मतलब एसपी ऑफिस आए हैं, और यहाँ पर ज्ञापन दिया है कि श्रीमान हमारी सुनवाई की जाए और हमारे साथ न्याय किया जाए, और इन लोगों के द्वारा जो हमें अनर्थ रूप से परेशान किया जा रहा है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। थाने अभी नहीं सर, हम गए हैं। छतरपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता रामेश्वर निरंजन की रिपोर्ट।